हेलो गाइस, आज मैं आपको मिट्टी से एक बच्चा हाथी बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, इससे पहले भी मैंने मिट्टी से एक हाथी बनाना दिखाया है, लेकिन वो था एक बड़ा हाथी। लेकिन आज मैं आपको एक बच्चा हाथी बना के दिखाऊंगा। तो गाइस, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर बड़े हाथी में और बच्चे हाथी में क्या डिफरेंस होती है? सिर्फ साइज का डिफरेंस होती है, इससे ज़्यादा और क्या? लेकिन गाइस, ऐसा नहीं है। जो बड़ा हाथी होता है और जो बच्चा हाथी होता है, उसका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, बॉडी का जो लैंग्वेज है, उसमें बहुत डिफरेंस होती है। ठीक है, तो इसीलिए बड़े हाथी में और बच्चे हाथी में बहुत ही डिफरेंस होती है। तो आज मैं आपको यही दिखाऊंगा कि बड़े हाथी में और बच्चे हाथी में क्या डिफरेंस होती है और इसको कैसे बनाया जाता है। तो गाइस, डिफरेंस तो बहुत तरह का होती है, ये आप एक बड़े हाथी और बच्चे हाथी में आप देख के ही समझ सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा डिफरेंस होती है वो ये है, जो बच्चे हाथी है उसका जो सामने का जो पैर है और जो पीछे का जो पैर है, इसके बीच में जो जगह है, मतलब जो पेट है, उस पेट का जो साइज होती है बहुत ही छोटा होती है। मतलब पीछे का जो पैर है और जो सामने का जो पैर है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो बहुत ही छोटा होती है। और जो बड़ा हाथी होता है उसका जो पीछे का जो पैर है और सामने का जो पैर है, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो मतलब नॉर्मल होती है। ठीक है, मतलब बच्चे हाथी के तुलना में थोड़ा बड़ा होती है। तो यही है एक सबसे बड़ा डिफरेंस कि बच्चे हाथी का जो पेट का जो साइज है वो थोड़ा कम होती है। ठीक है, मोटा होती है लेकिन कम होती है। तो गाइस देखिए, मैंने क्या किया है, ये जो हाथी आज मैं बना रहा हूँ, ये कोई भी स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे नहीं दिया है। आपको शायद याद होगा, जब मैंने पिछली बार एक हाथी बनाया था तो मैंने सबसे पहले उसको एक स्ट्रक्चर बना लिया था। ठीक है, नीचे एक प्लेटफॉर्म बना लिया था, उसके ऊपर उस हाथी को बनाया था। लेकिन आप आज का जो ये स्कल्पचर मैं कर रहा हूँ, इसमें देखिए मैं कोई भी प्लेटफॉर्म या फिर कोई भी स्ट्रक्चर मैंने नहीं बनाया है। सिर्फ इस हाथी को खड़ा रखने के लिए, जो इस हाथी के पैरों के अंदर मैंने एक लकड़ी दे दिया है ताकि ये खड़ा रह सके। क्योंकि जो मिट्टी होता है ना, ये थोड़ा नरम होती है, तो काम करते वक्त जब इसके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ये टूट जाता है। तो इसीलिए मैं क्या किया, सिर्फ इसके पैरों के अंदर में एक लकड़ी घुसा दिया है ताकि ये खड़ा रह सके। तो ये हाथी जब बन जाएगा ना, तो ये मतलब बिल्कुल एक नॉर्मल जैसा हो जाएगा। आप इसको उठा के कहीं पर भी ले जा सकते हैं, कहीं पर भी इसको भिड़े सकते हैं। ठीक है, ये अपने चारों पैरों के ऊपर ही ये खड़ा रहेगा, तो ये देखने में बिल्कुल नॉर्मल और नेचुरल लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या किया, इसके नीचे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दिया कि ये देखने में बहुत ही अच्छे लगे। और जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग ये सब जो स्ट्रक्चर आर्मेचर ये बनाना नहीं आता है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और गाइस, आपको एक बात और बताऊं कि ये जो हाथी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये मैं किस मिट्टी से बना रहा हूँ। आपको आपके मन में शायद ये सवाल आ रहा है कि आप लोग जो मिट्टी से जो चीज़ बनाते हो तो वो जब सूख जाते हैं उसके बाद क्रैक हो जाता है, तो मिट्टी कैसे चूज़ करें या फिर मिट्टी कैसे बनाए कि उस मिट्टी से अगर कोई भी मॉडल आप बनाए तो वो क्रैक नहीं होगा सूखने के बाद। ठीक है, क्योंकि हम बहुत मेहनत से ये सब बनाते हैं, तो जब क्रैक हो जाता है तो हमें बहुत ही बुरा लगता है। तो गाइस, इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, एक नहीं दो वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि आप कौन सी मिट्टी चूज़ करें, आप उस मिट्टी को कैसे बनाएं ताकि आपका जो मॉडल है, जो स्कल्पचर है, वो मतलब ख़राब ना हो जाए, क्रैक ना हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। आप जाके वो वीडियो अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम होती है मिट्टी के बारे में वो सब सॉल्व हो जाएगा।
ठीक है, और फिर भी अगर आपका जो मॉडल है वो क्रैक होता है तो उसके उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि क्रैक कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो वो वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, ये जो छोटा हाथी है और बड़ा हाथी है, इसके जो बॉडी लैंग्वेज है इसका डिफरेंस अभी आप लोग समझ सकते। देखिए अभी ये दिखने में बिल्कुल लग रहा है कि हाँ ये बच्चा हाथी है, छोटा हाथी है, ठीक है। और बड़े हाथी का जो बॉडी लैंग्वेज है उसका डिफरेंस थोड़ा अलग होता है। तो गाइस इससे पहले भी मैं एक बड़ा हाथी बनाना दिखाया है, एक बड़ा हाथी कैसे बनाता है, और उस वीडियो में आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है कि जो बड़े हाथी है वो कैसे बनाते हैं। और या फिर जब ये वीडियो ख़त्म होगा तो इसके एंड में वो वीडियो आ जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको बहुत ही समझ में आ जाएगा कि जो बच्चा हाथी है वो कैसा होता है और जो बड़ा हाथी है वो कैसा होता है। तो गैस यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो बच्चा हाथी है ये सबसे पहले इसका जो मेजरमेंट वो मैंने कर लिया था, उसके बाद इसको क्लीनिंग भी कर लिया था। अभी देखिए इसको मैं फिनिशिंग कर रहा हूँ, इसका आँखें, ठीक है, इसका जो सूंड और इसका जो पूँछ है, और अभी जो बाकी है इसका दांत। तो ये सब जब दे देंगे तो उसके बाद हमारा ये जो हाथी है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये जो हाथी बनाने का जो वीडियो है ये बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करती है ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए। तो गाइस प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही मिट्टी से रिलेटेड जो मॉडल है, जो स्कल्पचर है, वो मेरा इस चैनल पर बनाता रहता हूँ। तो गाइस ये लीजिए, हमारा आज का जो हाथी बनाना है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।